हम लोग इसको गौर से देखते हैं तो इसका ना तो अंश किसी का बराबर है ना तो हर बराबर है, तब क्या करें। लेकिन कुछ और बराबर दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, इनके बीच का जो अंतर है दो का अंतर है, इसमें भी कितने का अंतर है, दो का अंतर है, इसमें भी कितने का अंतर है, दो का अंतर है, और हमसे बोल रहा है आरोही क्रम में लिखो, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इसको। तो सबसे बड़का कौन होगा, देखिए मेरे भाई, जब आपको ऊपर नीचे का डिफरेंस समान आ जाए, सब में समान आ जाए, तो जो नीचे वाला हर जिसका सबसे बड़ा रहेगा वह सबसे बड़ा होगा। क्या हम क्या बोले, जब डिफरेंस सभी भिन्नों का समान आ जाए तो जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसका नंबरिंग कर दूँ, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो सबसे बड़ा हर इसका है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा, उसके बाद बीच में ये आ जाएगा। तो ये पहले से लिखा हुआ है आरोही क्रम में, अर्थात इसका क्रम क्या हो जाएगा, एक फिर दो फिर तीन नंबर, यही ना पूछ रहा है भाई, आरोही क्रम कह रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन होगा, 11/13, उससे बड़ा हो जाएगा 13/15, उससे बड़ा हो जाएगा 15/17। हमने क्या कहा मेरे भाई, हमने कहा जब आप दोनों का डिफरेंस देखो, अंश हर का डिफरेंस अगर समान आ जाए तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा ये वाला, उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है अवरोही क्रम में लिखे हो गया, थोड़ा बड़ा ही आसान है। अभी हमने आपको बताया कि जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, अगर नंबर कर देते हैं तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो आप देखिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा, इसको किस क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा दो नंबर, उससे छोटा कौन होगा, तीन नंबर, उससे छोटा एक नंबर, यही ना होगा। नहीं रे भाई, भाई मेरे भाई ये नहीं होगा। आप अगर इस वाले भिन्न को देखो और इस वाले भिन्न को देखो तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। इसमें देखो ये सारे प्रॉपर हैं, कैसे भिन्न हैं, प्रॉपर भिन्न हैं मेरे भाई, लेकिन अगर इसको देखो तो ये इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर का नियम इम्प्रॉपर में मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, यही होता है। हाँ, ये सब शॉर्टकट है मेरे भाई, शॉर्टकट में यही होता है, हमको इसके लिमिटेशन से बड़े जानने पड़ते हैं। तो हम बच्चा क्या करता है, एक जगह का पढ़ेगा, चाहे प्रॉपर चढ़े पढ़ेगा चाहे इम्प्रॉपर, मार धमके पड़ा रहेगा, सब में लगा देगा ससुरा, तो गड़बड़ा जाओगे। आप देखिए इसमें क्या था, ये सभी प्रॉपर हैं, यानी कि इसका मान एक से कम आएगा तब तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक से मान अधिक आने वाला है। लेकिन अंतर अगर देखेंगे तो इसमें पाँच का डिफरेंस है, इसमें भी पाँच का डिफरेंस है, इसमें भी कितने का है, पाँच पाँच का डिफरेंस समी है। अगर ये वाला नियम इसमें लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये नियम नहीं होगा सही। तो इसमें क्या होगा, देखो जो नियम यहाँ था वो नियम इसमें नहीं लगेगा, इसमें उसका उल्टा हो जाएगा। जो जिसका हर सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होगा, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, किसमें मेरे भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसका हर सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। कब, जब अंश और हर का अंतर समान आए सभी में, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। हमको किसमें लिखना है, अवरोही में, तो यानी कि बड़े से छोटा लिखना है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा 11/6, उसके बाद ये वाला आ जाएगा, कौन वाला आ जाएगा, 23/18, उसके बाद कौन वाला आ जाएगा, 42/37। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखो, लेकिन बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटका हमको चूज करना है। आप गौर से देखिए इसे, सारे क्या है, प्रॉपर है, मतलब ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, एक से कम आएगा, तो जो बड़ा वो बड़ा, जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, जिसका हर सबसे बड़ा वो बड़ा, अगर नंबरिंग कर दे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, दो नंबर पे ये वाला आ जाएगा, तीन नंबर पे ये आ जाएगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटा भाई ये सबसे बड़ा होगा, ये वाला उसके बाद आएगा, ये वाला उसके बाद आएगा, तो तीन नंबर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखो ना, बढ़ते क्रम, सबसे छोटका ये वाला हो जाएगा, फिर दो नंबर आ जाएगा, फिर एक नंबर आ जाएगा, ये किसके लिए, प्रॉपर के लिए। इसमें भी वही रूल लगा देते हैं, जी नंबर एक दो तीन, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, तो तीन नंबर सबसे छोटा हो जाएगा,
उसके बाद तीन नंबर के बाद एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर के बाद दो नंबर के आ जाएगा, ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। इसको देखते हैं, कह रहा है घटते क्रम में। आप देखो तो ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर में जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे छोटा। तो हमको सबसे बड़ा का चूज करना है, तो जिसका हर छोटा होगा सबसे बड़ा होगा, नंबरिंग कर देते हैं एक दो तीन। अब देखिए इसका हर सबसे छोटा है, ये क्या होगा सबसे बड़का आएगा, तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा तीन नंबर, उससे छोटा ये आ जाएगा दो नंबर, दो नंबर के बाद आ जाएगा एक नंबर, ये हमारा हो जाएगा घटते क्रम। इसको देख लेते हैं, जिसका हर छोटा सबसे बड़का आ जाएगा, तो सबसे बड़का एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, नंबरिंग कर दिए, तो ये सबसे छोटी है तो क्या आ जाएगा सबसे बड़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो कितना आ जाएगा एक नंबर, उसके बाद देखेंगे तो तीन नंबर आ जाएगा, तीन नंबर बाद कितना आ जाएगा दो नंबर। तो ध्यान से लगाइएगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन वही जब रूल देखते हैं बच्चा लोग ढोंग देता है। अंतर यहाँ पे देख लीजिए, दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर है, दो का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर आ जाएगा, दो का अंतर हर जगह है, दो का इसमें अंतर देखेंगे तो दो का है, लेकिन क्या है इम्प्रॉपर है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये समझ आया आपको कैसे अवरोही आरोही क्रम में लिखना है। तो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर